नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। फाजिलका के रेलवे स्टेशन रोड पर जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही साड़ी रसोई जरूरतमंदों, बेसहारा व असहाय लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। फाजिलका की जिला उपायुक्त रही श्रीमती ईशा कालिया द्वारा शुरू करवाई गई साड़ी रसोई में 10 रुपये में एक दाल, एक सब्जी तथा 6 रोटियाँ मुहैया करवाई जा रही हैं। शहर के धनी सज्जनों तथा समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से साड़ी रसोई में अब तक 1 लाख से अधिक लोग खाना खा चुके हैं, अपने पेट की भूख को शांत कर चुके हैं। रेड क्रॉस के जिला सचिव सुभाष चंद्र अरोड़ा कहते हैं कि साड़ी रसोई में सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोगों को सिर्फ 10 रुपए में खाना मुहैया करवाया जाता है। अब तो साड़ी रसोई पर लोग अपना व अपने बच्चों का जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि तथा अन्य खुशी व गमी के मौके पर लोगों को खाना खिलाकर अपने बुजुर्गों को याद करने के साथ साथ पुनीत कार्य कर रहे हैं। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर, मेरा नाम सुमित है जी, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। सर, ये 15/4/2017 को स्टार्ट हुआ और इनको अब 1.5 साल हो गया सर यहाँ पे। तो 10 रुपये थाली सर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इसमें दाल, चावल, सब्जी और RO लगा हुआ है। बैठने की सुविधा लेडीज़ के अलग है, जेंट्स के अलग है जी। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ पे टीम है जो पूरी हेल्प कर रही है इनके साथ जी। सर, ये जो प्रोजेक्ट है साड़ी रसोई, ये सर किसकी प्रेरणा से आपने शुरू किया था? सर, प्रेरणा ये गरीब लोगों को खाना मिल जाए, बेरोजगार लोग जिनको खाना नहीं मिलता उनके लिए खाना मिल जाए, बहुत अच्छी सुविधा है सर जी। तो सर, इसको चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं आपका सहयोग कर रही हैं? संस्थाएं सर, एक तो रेड क्रॉस है जी, जिनकी तरफ से ही होता है। बाकी हमारी मेंबर कमेटी बनी है जी, जो पे हर सालाना इनकम जो दे रही है जी जी सेठ नथू बबलाल जी, ते अपने श्याम लाल गुंबर जी और साहब जी ढिल्लो जी और अपने अमरचंद बठेजा जी, ऐसे काफ़ी मेंबर हैं जिनको बीच में जो प्रोवाइड कर। लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को यही है सर, आए और बढ़िया खाना है, उनके लिए इनविटेशन है जी। सर, क्या नाम है आपका? अमरचंद बठेजा। सर, ये जो साड़ी रसोई आपने शुरू किया है, ये क्या प्रोजेक्ट है, हमारी जानकारी दें। ये प्रोजेक्ट है गरीब आदमियों को कंपनसेट करने के लिए जी। तो क्योंकि होटल में 40 रुपये भोजन मिलता है, यहाँ पर 10 रुपये मिलता है, 10 मिलने से 4 रोटी होती है, चावल होते हैं, 2 दाल सब्जी होती है। ये रोटी बाजार में 40 रुपये मिलती है या 10 रुपये मिलती है, क्योंकि इनको सोसाइटी है जो हमारे मेंबर बड़े हैं उनकी कोऑपरेशन से, रेड क्रॉस की हेल्प से, मेन रेड क्रॉस की हेल्प है, रेड क्रॉस की हेल्प से। रेड क्रॉस है बहुत पैसे देता है, 60,000 तनख्वाह देता है महीने की इनको मुलाजमों को जी। ये रेड क्रॉस देता है 60,000 रुपये, इसलिए ड्यू टू ये इनिशिएटिव पब्लिक का इनिशिएटिव भी है और रेड क्रॉस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है जी। सरकार की मर्जी से चली थी अपना अमरिंदर सिंह की मर्जी से ना, चालू तो कर दी थी, उसके पहला मेंबर मैं बना था। जी जी, पहले सदस्य आप ही थे ना जी। तो सर, आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए गए इसको कामयाब करने के लिए? हम दोस्तों के पास गए, जो हमारे दोस्त थे उन दोस्तों ने हमें मेंबर बन गए, कॉपरेट किया, किसी ने 15,000 दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, वो पैसों से पर प्लस रेड क्रॉस की पूरी हेल्प से। ड्यू टू रेड क्रॉस मेन प्रोजेक्ट इज रेड क्रॉस नॉट अवर, वी आर ओनली, हमारा इनिशिएटिव है कि इसको चलती रहे। सुभाष अरोड़ा जी हैं इसके इंचार्ज जी, वो इसके अगर सेक्रेटरी है रेड क्रॉस, वो सुबह आते हैं, सुबह काम चलाते हैं और शाम को भी फिर आएंगे चेक करने के लिए। जो जो रिटायर्ड आदमी है ना, वो भी इसके मेंबर हैं, वो भी सेवा करते हैं यहाँ पर आकर, तो खाना चेक करते हैं और हर चीज़ चेक करके जाते हैं, वो अपना रिमार्क्स भी देकर जाते हैं रजिस्टर में जी।